जब मैं गई थी ना तब लाइट नहीं थी, तब मैंने रिकॉर्डिंग करनी थी, मैं नहीं कर सकी। बड़ा अच्छा लग रहा था। तो हम निकले, वो फ्रेम जो मैं आपको बता रही थी, मेरा वो जो टीवी वाला था वो उसने पेंट किया है, वो देखते हैं जाके कुछ अगर चेंज कराना। वैसे वीडियो से बना के भेजी है, काफ़ी अच्छा है, लग रहा है देखने में भी वैसा ही हो। वो हो अगर ठीक हुआ तो फिर अभी उठा लेंगे। अच्छा नहीं, शेडिंग अभी करनी है उसमें। ठीक है, वो देखियो ना कल आ जाएगा कुछ। मुझे लगता है पता नहीं कार में पूरा आता है या नहीं आता। कार में नहीं आता? अच्छा कार में नहीं आएगा, वो फिर किसी और तरह से ही लाना पड़ेगा। तो अच्छा, बहुत लोग जो कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे ना कि वो कहाँ से सर गोदा में बना रहे हैं, क्या है। मैंने इतनी वो कोई शॉप या कोई ऐसी जगह नहीं है, वो हमारा अपना बंदा है जो बनाता है। और उससे फिर मैं ज़्यादातर जो पहले भी काम कर रही थी ना, अब तो खैर मैं नहीं कर रही फर्नीचर वगैरह का, सिर्फ उन लोगों का कर रही हूँ। एक दो जो मेरे अपने जानने वाले उनकी बेटियों की जिनकी शादियाँ हो रही हैं उनका कर लिया या कुछ ऐसा कर रही हूँ। तो उसमें ज़्यादा मैं कर भी इसलिए रही थी ताकि उन लोगों के लिए, ताकि उनका काम चलता रहे और उनको काम मिलता रहे और अच्छा काम उनका हो जाए, ज़्यादा ये बात थी। अभी मैं तहजीब में उनके चिकन की शैशलिक स्टिक्स हैं, वो बहुत अच्छी हैं, वो लूँगी। और फिर मुझे अब लग रहा है बहुत जल्दी सीज़न चेंज हो गया है, तो अब हम लॉन टूर पे चलेंगे, लॉन्स देखेंगे कौन कौन सी नई नई आई हुई हैं। और मुझे सबने पूछा भाई डिज़ाइनर्स का लॉन कभी वो रिव्यू बताएं, अपना ओपिनियन कौन सी सबसे अच्छी आई है कौन, वो भी मैं सब देख रही हूँ। कुछ करने भी लॉन्च करना था इस दफ़ा, बहुत सारे ऐसे लोग भी लॉन्च कर रहे हैं जिनके पहले खाली प्रेड थे या वो, लेकिन वो भी इस दफ़ा अपनी लॉन्स निकाल रहे हैं, तो सारे देखते हैं। फर्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट और वो बात है कि जो लॉन का सूट है ना, वो आप एक दिमाग में बना लें कि आपने कितने का लेना है, तो उसके हिसाब से आप उस अमाउंट में देखें। और ले के ईद वाले तो ज़रा माइंड में सेट कर लें कि कौन से लेने हैं। वो तो चलो रमज़ान में अगर आप ले लें तो आप सिलने मिलने को भी दे सकते हैं, एक एक्टिविटी अच्छी लगती है, ज़रा हैपनिंग और खुशी देती है कि ईद की हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो कपड़े लॉन के लिए रमज़ान के लिए बनाने हैं, वो अभी से आप लेके सिलने को दे दें ताकि आपको मिल जाए टाइम से। तो देखेंगे अब कौन सी अच्छी मिलती है। ब्लू एरिया आए हैं, तहजीब जा रहे हैं इसलिए। तहजीब से मेरा बैग किया है और अब इतनी मजबूती से मैंने उसको बंद किया होता है ना। ये मेरा है और ये मेरा है, इसमें मैं दिखाऊंगी कि क्या मैंने लिया है। और ये नीचे तहजीब के रस हैं, बहुत मज़े के रस होते हैं। ये आबिद जाएंगे अभी, मैं भी जाऊंगी आबिद के अम्मी अबू के घर, तो उनके लिए आएंगे। बड़ा अच्छा लग रहा था तस्वीर में भी, और कोना भी अच्छा गोल कर दिया। नहीं नहीं वो बिल्कुल ऐसा कर। हाँ ये वाला टोटा कर, ये वाला टोटा, ये शेडिंग आपने की है, ये तो ऑलरेडी गोल्डन है, अभी एंटीक हाँ। मार के दिखाने आप दिखाएं। ठीक है, अच्छा जी सलाम तो मैंने किया हुआ है इस वीडियो वाला, लेकिन जब मैं गई थी ना तब लाइट नहीं थी, तब मैंने रिकॉर्डिंग करनी थी, मैं नहीं कर सकी। अब हम वापस आए हैं कितने पता नहीं 2-3 घंटे के बाद, तो भी लाइट नहीं है, तो ये मामला चल रहा है। तो मैंने भी कैंडल ऑन किया, वैसे इतना कोई टाइम नहीं, असर का वक्त है और असर की नमाज मैंने भी पढ़नी है, मैंने नहीं पढ़ी। अच्छा जी, मुझे बड़ी खुशी की बात जो मैंने बताई है वो ये कैंडल भी इधर रख दूँ। अच्छा वो ये है, छोटी छोटी खुशियाँ मेरी तो वो ये हैं कि फूल नरगिस के ला के दिए हैं मुझे आबिद ने तो ये मैंने लगाए हैं ग्लास में, और ये आखिरी फूल है मुझे लग रहा है इस सीज़न के, क्योंकि अब थोड़े उस तरह के फ्रेश नहीं रहे, लेकिन खुशबू अभी भी बहुत है इनकी। और
ये आबिद के अम्मू का गुडी बैग, वहाँ जो हम लेके जा रहे हैं तहजीब से जो मैंने लिया था मैंने कहा वो भी मेरे मेरी जो फेवरेट चीज़ें हैं वो ब्राउनी है और है इसमें पता नहीं क्या मैं भूल गई, हाँ ये शैशरिक स्टिक है, ये मैं भी लूँगी। चाय अब हमारे पास क्योंकि कैटल भी वो इलेक्ट्रिक है जिसमें चाय बनती है, नवी देगची में चाय बना रहा है तो वो है, चाय पीती हूँ। अब उधर को निकलेंगे हम, आज की वीडियो का पता नहीं मैं क्या करूँगी क्योंकि लाइट का अभी तक तो कुछ नहीं पता कि कब आनी है। वो जो फ्रेम अभी आपको मैंने दिखाया वो आएगा यहाँ पे और अब मैं इसका मेरे ख्याल से कल वो ले आएंगे आबिद तो कल ही काम शुरू हो जाएगा। और ये है मेरा कॉन्सोल नीचे वाला, इसकी प्राइस अभी तक मैंने इसलिए कंफर्म नहीं की क्योंकि मैं टर्किश मैंने जाना था जो है जहाँ से लिया है उधर से इसकी प्राइस मैं दोबारा कंफर्म कर लूँ एक दफ़ा। तो वो अच्छा जो अब आई है ना वो इतनी अच्छी लकड़ी में भी नहीं है, ये मेरी पुरानी है, इसकी लकड़ी भी अच्छी है और इसकी चौड़ाई और लंबाई भी ज़्यादा है। एक मैंने इसमें देखी वो पतली सी है लकीर सी, वो भी शायद अच्छी हो लेकिन वो मुझे नहीं अच्छी लगी, मुझे इसमें ज़्यादा सॉलिड सी लुक आती है जो है, ये मैं फिर बाद में बताऊँगी कि कितने की है और क्या है। तो हाँ जो मैंने मेन बात बतानी थी मुझे याद आ गई, मैं इधर रखती हूँ, नवीद आज लाइट मैन बना हुआ है, ये लाइट डाल रहे ऊपर से। अच्छा जी ये है मेरा ये बास्केट और ये नेट मैंने प्रिपेयर किया है, ये बास्केट है, ये मैं गिफ्ट देने लगी हूँ अपनी बहुत प्यारी फ्रेंड को जो हर खुशी गमी में बहुत मेरे साथ होती है, ये उसके लिए मैं ये मैंने बनवाया है। देखिए ये बहुत अच्छा और ये सॉलिड वुड का है, ये ब्रैकेट जिसका ये है ना ये सामने लगती है ये है, इसके भी मैं एक दो पिक्चर्स खींच लूँगी क्योंकि ये वाला स्टाइल मेरे पास नहीं है, इसका साइज़ भी बहुत अच्छा है। ये मैं जाऊँगी अभी उसके घर थोड़ी देर में तो मैं लेके जाऊँगी उसके लिए, ये है अभी इतनी माचिस और ये बूटा। वीडियो तो अंधेरे में बनी है और इतनी सी ही बनी है तो आज के लिए फिर इतना ही है, कल मिलेंगे इंशाल्लाह रोशनियों में, अल्लाह करे लाइट आ जाए खैर खैरियत से। गर्मी सर्दी तो कुछ नहीं मुझे फील हो रहा, सिर्फ ये फील हो रहा है कि लाइट ना हो तो जो अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है। तो वैसे हमने रात को जाना था वहाँ पे आबिद के घर पेरेंट्स के घर, तो अभी मुझे ये है कि अभी हम चले जाएंगे फिर बाय द टाइम हम वापस आएँ तो अल्लाह करे लाइट आ गई हो। तो इस दुआ के साथ कि जो कोई जिस किसी लाइट आ गई शुक्र है लाइट आ गई, लेकिन वीडियो बस मैं अपनी इधर ख़त्म कर रही हूँ, अब मिलेंगे कल इंशाल्लाह। मैंने कहा थोड़ा सा और मौका मिल गया तो वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, लाइट आ गई थी बस अभी हम निकलने लगे कहीं जा रहे हैं और सॉरी मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। लेकिन आजकल ना मैं घर में जो सादिया नवीद की वाइफ और बाकी सब लोग भी रोज़े रख रहे हैं शाबान के, तो हमारे घर अफ्तारी प्रॉपर बन रही होती है, पकौड़े उससे बना के गरम गरम मुझे कार में दिए, आबिद की कोई कॉल आ गया आबिद कॉल अटेंड कर रहे हैं तो बिल्कुल रमज़ान की तैयारियां अब शुरू हो जाएंगी। मैं क्योंकि नवीद की वाइफ अभी जा रही है छुट्टी, थोड़े बीवी उसकी जा रही है सादिया थोड़े दिन छुट्टी पे, तो उसके जाने से पहले शामी कबाब और कोफ्ते वगैरह बना के मैं फ्रीज़ कर रही हूँ और साथ में मैं कुछ और तैयारी भले वगैरह माश की दाल के और वो बना के फ्रीज़ करूँगी इंशाल्लाह। तो ये तैयारी अभी तो नहीं रमज़ान से कुछ दिन पहले, लेकिन अब ये मैं अपने काम सारे स्टार्ट कर लूँगी रमज़ान की तैयारियों वाले भी, साथ साथ कपड़ों का भी चलता रहेगा मामला जो भी रमज़ान की वो भी दिखाऊंगी आपको। मैं ऑनलाइन चेक करी थी, वानिया ने पहले कभी नहीं किया लेकिन इस दफ़ा वो लॉन के स्टिच सूट्स भी उन्होंने किए हैं, वो भी आप उनकी वेबसाइट पर चेक कर लें, अच्छे सूट्स हैं 6 to 7,000 के लॉन के टू पीस सूट्स हैं, अगर किसी को पसंद आए तो, मतलब नॉर्मल से हैं वो प्रिंटेड जैसे टू पीस सूट होते हैं, लेकिन जो कि 2-3 हज़ार का सूट मिलता है फिर 2,000 आप उसकी 2-3.5 हज़ार सिलाई देते हैं, उससे बेहतर है कि अगर आपको स्टिच मिल रहा है तो आप ले भी सकते हैं, कोई इतनी बुरी ऑप्शन नहीं है वो। अस्सलाम वालेकुम, आज ये हो रहा है मेरे घर में, ये सोफे ठीक होने वाले थे, ये सब हो रहा है, हाँ ये मेरे सो रिक्लाइनर्स का ना काफ़ी दिन से एक दो काम हो रहे थे, कुछ स्प्रिंग्स निकले हुए थे वो बहुत शुक्र है आए हैं,
तो ये कर रहे हैं नवीन, पहले मेरे खाने के बर्तन उठा लो। बिल्कुल मुझे ऐसे लग रहा है जैसे घर शिफ्ट हो रहा है। तो अस्सलाम वालेकुम, कुछ काम जो मैं कह रही थी लाउंज के होने वाले हैं वो हो रहे हैं फाइनली आज। जो चीज़ जो मेरा फ्रेम वगैरह बन के आना था वो आ गया, तो चीज़ें सब ऊपर नीचे हुई हुई हैं। पेंट वाला अभी नहीं आया। अबिन मून ने कब आना है पेंट के लिए? फ्राइडे का वादा है, लग रहे आ जाए, तोड़े ना वादा। पूरी लुक तो मैं पेंट के बाद ही दिखाऊंगी, लेकिन अभी काम शाम शुरू हो गया है। जी मैंने अपने जी मैं लाई थी, मैं बाहर से ही लाई थी जी, मैंने यहाँ पे अब रखी है। अब मैं इसको सेट करूँगी और बाकी सारी चीज़ें मैं थोड़ा हटाई हुई हैं, इंशाल्लाह इसको भी ठीक करूँगी। ऊपर एक दो चीज़ें हैं जो अभी पेंट वाली रहती हैं, या अभी समझा रहे हैं इसको जो स्प्रिंग्स निकले हुए हैं वो, ताकि ठीक जगह पर ठीक तरह से एडजस्ट हो जाए सोफे। वर्क अंडर प्रोग्रेस, काम हो रहा है। ये पीछे से देखे ना, कल वो आएगा, जब तक आता नहीं मून ये पॉलिश नहीं पेंट नहीं होता ना, तब तक ये थोड़ा अनटाइडी लुक आती रहेगी। ये फ्रेम वगैरह उतरवा के हम दोबारा फिर इसको पेंट करेंगे। शीशा मगर ये फ्रेम बहुत अच्छा बना है, पॉलिश बहुत अच्छी है इसकी। अच्छा जी, दो दिन से ना मैं काम शाम में इस तरह से टाइम गुजर गया कि मैं वो नहीं कर सकी, रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन मैंने फाइनली थोड़ा बहुत अभी किया। अभी पूरा जब हो जाएगा कंप्लीट तो मैं आप लोगों के साथ पूरी वीडियो दोबारा शेयर करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही है। अब थोड़ा सा आपको यहाँ से लुक नज़र आ रही होगी, हल्की सी दिखाती हूँ, लेकिन अभी चीज़ें बस वो रैंडम पड़ी हुई, उसके बाद फिर मैं दोबारा आपके साथ शेयर करूँगी फाइनल लुक। तो आप कल मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और बात के साथ, अल्लाह करे आज मैं रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर सकूँ। यहाँ मैं खुदाफिस करूँगी, आज का दिन ख़त्म हो गया, एक और शाम आ गई, और पहले भी खुदाफिस किया था लेकिन अब फाइनल खुदाफिस कह रही हूँ। मरना में तेरी यहाँ पहुँच जा।